की इम्पोर्टेंट लाइन दी है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर चाहे वो अभी नहीं मिला है, आप लगातार प्रयास करेंगे तो पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। हमारे साथ इनकी दीपांशु की सिस्टर भी आई हुई है और हमारे पास यहाँ नीट के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है। इनकी जो सिस्टर है वो MBBS कर रही है, अभी फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में है, तो एक बार उनसे भी मैं जानना चाहूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नीट के, जो अभी जूनियर स्टूडेंट्स हैं, तो इस साल इस फाइट के लिए जो रेडी है करने के लिए, उनके लिए इनका क्या संदेश है। बाकी मोटिवेशन अगर किसी से मिलता है तो किसी
और देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी ये चढ़ना चाहिए कि मुझे भी पढ़ना है, ये नहीं कि तुम कुछ भी टाइम पास कर रहे हो और सामने वाला बंदा बैठ के पढ़ रहा है और फिर भी तुम कह रहे हो अरे हम पढ़ लेंगे बाद में। वो जो बाद वाला होता है ना वो बाद वाला बाद में ही रह जाता है, तुम्हें अभी करना है जो करना है। और MBBS डेली ग्रो डिग्री हमने खुद सुना हमारे कॉलेज में, हमारे टीचर अभी बोलते रहते हैं MBBS में कि तुम किसी डिग्री कॉलेज में नहीं आए हो, तुम एक प्रोफेशनल कॉलेज में हो। तो वो एक प्रोफेशनल कॉलेज